वेलकम टू माई चैनल, आई एम काजल बोरा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये है Q&A, ये मेरे चैनल पे सेकंड Q&A होगा। एक Q&A मैंने पहले किया हुआ है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, तो मैंने यहाँ पे उनका स्क्रीनशॉट ऐसे लेके रख लिया है। तो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे DM करके वो assumptions मेरे बारे में लगाते हैं, या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैं आपको YouTube से रिलेटेड बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझे एक साल से ज़्यादा हो गया YouTube में। माना मेरे उतने सब्सक्राइबर नहीं है, बट एक्सपीरियंस मेरे पास अब है थोड़ा बहुत। और क्या क्या है, कैसे क्या क्या होता है, वो मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगी। और मैं क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करती हूँ, मैं सब कुछ आपको ऑल टोटल बताऊँगी। सो या विदाउट एनी डिले स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगी, और यहाँ पे पास क्वेश्चन आए हैं जो मैंने जाके इंस्टाग्राम में आप लोगों से बोला था कि मुझे क्वेश्चंस पूछो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या किसी ने बोला है, नमस्ते मैम केम छो मजामा, ठीक है। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन मेरे पास दो बार आया है, यूअर एज हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। सो मेरी एज है 18, मैंने अभी कुछ टाइम पहले बर्थडे व्लॉग भी डाला था, सो 18 की हो गई हूँ मैं अभी अगस्त में। सो या, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्लानिंग टू कम दिल्ली एंड स्टार्ट ब्लॉगिंग देयर। सो अभी तो फिलहाल कोविड के उससे ऐसे कोई मेरे प्लान्स है नहीं। अभी मैं 12th कर रही हूँ यहीं पिथौरागढ़ से, सो अभी इस साल तो ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, बट या नेक्स्ट ईयर के लिए हैं प्लान्स, मैंने सोचा है। सो या मतलब मुझे है कि हाँ मैं वहाँ आऊँ और व्लॉगिंग करूँ। व्लॉगिंग तो मैं यहाँ भी कर रही हूँ और मैं वहाँ भी करूँगी ही व्लॉगिंग। दिल्ली क्या, मैं और भी जगह जाके ट्रैवल करना चाहती हूँ और व्लॉगिंग करना चाहती हूँ। सो या फ्यूचर में आप लोगों को पक्का बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवल फूड रिलेटेड व्लॉग्स मिलते रहेंगे। सो या, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्यूब जर्नी, ठीक है। सो यहाँ पे पूछा है किसने यूट्यूब जर्नी। सो इसे अभी हम रहने देते हैं, जब हमारे 1K हो जाएंगे या मतलब जब 10K हो जाएंगे YouTube जर्नी, तब शेयर करेंगे। आई नो मैं अभी बहुत ज़्यादा आगे का सोच रही हूँ, बट आई नो ये डिफिकल्ट नहीं है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरे होंगे बहुत ज़्यादा जल्दी। सो या, सो जो हमारे पास अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, ठीक है। ये किसी ने पूछा है, यहाँ पे नाम नहीं लूँगी मैं, बट ठीक है मैं आपको बताती हूँ। जब मैं यूट्यूब में आई तो मतलब मुझे इतना कुछ पता नहीं था, बस मैंने स्टार्ट किया ऐसे यूट्यूब से जान के थोड़ी थोड़ी चीज़ें। सो मेरे हिसाब से जब आप यूट्यूब में आ रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे आके करना क्या है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पे आ गए हो, आपने चैनल बना लिया है और आपको पता ही नहीं कि आपको क्या मतलब करना क्या है, ठीक है। तो एक माइंडसेट ज़रूर होना चाहिए कि यहाँ पे आपको किससे रिलेटेड वीडियो बनानी है और क्या क्या होगा आपका। जैसे मैं यहाँ पे आई, मुझे पता था मेरे को रिव्यू और धीरे धीरे फिर व्लॉग्स वाले व्लॉग्स भी बनाने, और मुझे फूड वूड में भी इंटरेस्ट था। आप लोगों को याद होगा जब मैं मतलब अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा, जब मेरी फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन वीडियोज़ में मैंने स्टार्टिंग में जब मैं बोलती हूँ फर्स्ट का इंट्रो, मैं उसमें कहती थी कि मैं आगे जाके इन इन चीज़ों की से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी। जैसे मैं बोलती थी फैशन, ब्यूटी, ऑनलाइन रिव्यूज, फूड व्लॉग्स, ये सब कुछ ना, तो मैं आज वो कर भी रही हूँ, ठीक है। और हाँ, और एक चीज़ और याद रखो, यूट्यूब में आ रहे हो ना, पहले से कैमरा वैमरा ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो मेरी तरफ से करो ही मत, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हें बस एक थोड़ा फ़ोन होना चाहिए जिसका कैमरा थोड़ा सही हो, बस उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे फ़ोन का कैमरा सही नहीं है ना, जैसा मेरा था स्टार्टिंग में, मेरे फ़ोन का कैमरा इतना बकवास था, हमारे पास वीवो था, मतलब बहुत ही गंदा कैमरा था। तो जो मेरी चाची थी उनके पास रेडमी नोट 9 प्रो था, तो मैं उसी से सारी वीडियोज़ शूट करती थी। सो स्टार्टिंग में मैंने उनके हेल्प से शूट की सारी वीडियोज़, फिर मैंने ये वाला फ़ोन लिया, हमने ओप्पो F17 इससे शूट किया, और अभी मेरे पास कुछ और है जो मैं आगे जाके बताती हूँ आप लोगों को। सो या, ऐसे सब कुछ वर्क करता है। तो मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, फर्स्ट चीज़ क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपको किससे रिलेटेड यहाँ पे आके वीडियोस डालनी है या क्या कंटेंट होगा आपको, वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। और जो सेकंड चीज़ है वो है कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा सा फ़ोन, मतलब एक फ़ोन हो जिसका कैमरा काफ़ी डिसेंट सा हो, और अगर लाइटनिंग अच्छी है रूम की तो बहुत सही है, वरना एक रिंग लाइट ले लो बस। रिंग लाइट भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आती है, 500-600 तक आपको एक पूरा सेट मिल जाता है विथ ट्राईपॉड और रिंग लाइट, सब कुछ मिल जाता है। सो या, और इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरों को देखो मत कि वो अभी यूट्यूब में आए और उनके सब्सक्राइबर यहाँ आए, या वो अभी आए हैं
उनका ये इतना ज्यादा है या जो भी है, मतलब किसी और को मत देखो यार, तुम जो हो ना बस यहाँ पे अपनी रियलिटी दिखाओ और लोग पक्का पसंद करेंगे आप लोगों को, और अगर आप लोग मेहनत करोगे तो पक्का ऑफ कोर्स एक दिन मतलब जो आप चाहते हो वो पक्का होगा। मैं यहाँ हूँ एक मतलब एक साल से भी ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हार्ड टाइम्स भी आए, बहुत लो टाइम्स भी आए जब वीडियोज डाली और बिल्कुल व्यूज आते ही नहीं थे। स्टिल अभी भी मतलब इतना कुछ खास नहीं चल रहा है, बट ठीक है मैं खुश हूँ। अब मैंने अपना ये कर लिया कि अभी जो भी है उसमें खुश रहते हैं यार। अभी 1K हो जाएंगे मेरे, अब होने वाले 1K होंगे, उसके बाद मुझे क्या होगा कि मेरे को अब 10K चाहिए या 1200 हो जाए, ऐसे मतलब इंसान का मन कभी भरता नहीं है, ये तो है ना। सो या बस खुश रहो जो भी है, बट देखा देखी कभी मत करना। आपको जो पसंद है आप वही यहाँ पे बनाओ और दिल खोल के बोलो। यहाँ पे कुछ रोक टोक नहीं है कि तुम ये नहीं बोल सकते या वो नहीं बोल सकते, जो है बोलो, जिस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनानी है बोलो बनाओ। और ये वीडियो बिल्कुल ड्रॉ होने वाली है, यहाँ कुछ मैं कुछ एडिट कट वट नहीं करने वाली हूँ, जो मेरे दिल में है मैं आज सब कुछ बोलूंगी और मुझे जो जो पता है मैं सब कुछ आप लोगों को आज बताऊंगी। और क्वेश्चन था हाउ, मैं ट्रैक से हट गई थी थोड़ा, सॉरी, क्योंकि मैं बोलती हूँ तो मैं चुप नहीं होती उसके बाद। तो हाउ, एक मतलब जीमेल आईडी से अपना चैनल वैनल बना लो, यूट्यूब में जाके वहाँ पे अपना एक आईडी बना लो वहाँ पे। अगर आपको वो नहीं आता तो ना आप यूट्यूब में देख लो कि हाउ टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल, तो यही वो सब कुछ बता देंगे अच्छे से। सबसे पहले एक अपना यूट्यूब में खोल लो चैनल, नॉर्मली हर किसी का होता है आजकल, वो खोल लो, उसको नाम सही कर लो, वहाँ पे अपना बायो वायो हर चीज़ डाल लो, प्रोफाइल डाल लो। और नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, फ़ोन कोई भी फ़ोन चलेगा, कैमरा डिसेंट से होना चाहिए और थोड़ा रूम की लाइटिंग सही रखो, मतलब थोड़ा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बट कंटेंट ज़्यादा मैटर करता है। बस ये चीज़ें हैं यार जो चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, सच कह रही हूँ। और खूब मेहनत करो, रेगुलर रहो, रेगुलर वीडियोस डालो और क्या पता आपका चैनल ग्रो हो जाए। मतलब पूरा यार मेरे को तो लगता है ना पूरा किस्मत विस्मत का सीन है, क्योंकि इतना टाइम हो गया मुझे वीडियोस डालते हुए, इतना लाइक एक साल से ज़्यादा हो गया है, मैं रेगुलर हूँ। शायद ही मैंने कभी कोई मिस किया होगा, मिस किया तो मैं पक्का उसके बदले की कोई ना कोई वीडियोस डाल देती थी। सो मतलब मैंने कितनी सारी वीडियोस डाल ली हैं, बट स्टिल अभी तक कुछ ऐसे खास ग्रो नहीं हुआ है, बट ठीक है आई एम हैप्पी। तो बस ऐसे ही ये सब कुछ हो जाता है। और या बस मैंने आपको बता दिया। और किसने नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच इक्विपमेंट यू यूज फॉर शूटिंग योर वीडियोस, क्वेश्चन यहाँ पे डाल दूंगी ठीक है मैं। सो इक्विपमेंट एक बार दोबारा से बता देती हूँ, स्टार्टिंग में रेडमी नोट 9 प्रो से मैंने वीडियोस बनाई है। जब ये फर्स्ट वीडियो थी ना वो रेडमी नोट 6 प्रो से थी, वो जो फर्स्ट थी और वो थोड़ा ऐसा वैसा कैमरा है उसका, बट उसके बाद रेडमी नोट 9 प्रो उससे बनाई है मैंने अपनी, Redmi Note 8 Pro से मैंने अपनी उसके बाद की लाइक सारी वीडियोस बनाई है ठीक है। बट एक टाइम बाद थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ी अच्छी दिखी होगी, तो तब मैं ये फ़ोन यूज़ करती थी, ये है Oppo F17 और अच्छा खासा फ़ोन है, इसका कैमरा बहुत सही है यार, मैं सच कह रही हूँ इसका कैमरा ना काफ़ी अच्छा है, इतना सही है ना। अगर आप लोग अभी नया फ़ोन लेना चाहते हो और बजट 20,000 के अंडर है तो ये वाला फ़ोन ले लो, ये बहुत सही है Oppo F17। इसकी कैमरा क्वालिटी हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैं तो इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ ना इससे, मतलब ये बहुत सही है। बट अभी मेरा बर्थडे हुआ कुछ टाइम पहले, अगर आप लोगों ने बर्थडे व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि 9 अगस्त को मेरा बर्थडे था। सो तब मैंने मतलब उस टाइम पे ना सेल चल रही थी, बट मैं बहुत ज़्यादा पहले से मैं चाहती थी कि मेरे पास एक कैमरा हो अपना, बिकॉज मैं ट्रैवलिंग वगैरह का भी बहुत ज़्यादा शौक रखती हूँ और मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं मतलब मेरा दिल है कि मैं अच्छे से वो चीज़ हर चीज़ कैप्चर कर पाऊँ। सो मैं चाहती थी कि मेरे पास एक कैमरा हो। सो बर्थडे से कुछ दिन पहले मेरे पापा और मम्मी दोनों ने मुझे गिफ्ट किया, जो मैं अभी ये कैमरा है जिससे मैं अभी वीडियोस बना रही हूँ, ये कैमरा उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है, ये है कैनन EOS 200D Mark II और ये आप लोग अभी इसमें वीडियोस देख रहे होंगे। ये कैमरा मेरा लगा हुआ है यहाँ पे और दो रिंग लाइट लगी हुई है और रूम में ढेर सारी लाइट्स भी हैं। सोया मतलब यही है मेरा सेटअप। मैं फिर आप लोगों को बता दे रही हूँ, मत लेना कैमरा, बिल्कुल मत लेना कैमरा, स्टार्टिंग है तो मत ही लो मेरी तरफ से तो, बट अगर आपके पास है तो बहुत सही बात है, बट प्लीज़ अपने पेरेंट्स को फोर्स मत करना कि मेरे लिए कैमरा लो अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो तो। बस ये है, मुझे ट्रैवलिंग का शौक था और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम से मेरी
फरमाइश थी कि ठीक है मेरे पास कैमरा हो तो मेरे घर वालों ने मेरे लिए ले लिया और अभी मैं वीडियोस उसी में बना रही हूँ. और आप लोग बताओ डिफरेंस लगता है या नहीं. मुझे बहुत लोगों ने कमेंट करके बताया था कि क्वालिटी का डिफरेंस आ चुका है, साउंड भी अच्छी आ रही है. सो या आई एम सेटिस्फाइड. तो ठीक है, तीन बार लाइट जा चुकी है, तीन बार मैंने वीडियो काट के चौथी बार दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ. पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा है, बट ठीक है जल्दी से वीडियो को ख़त्म करते हैं. सो मैंने आपको बता दिया इक्विपमेंट, कैमरा मत लेना स्टार्टिंग में, ठीक है मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को. और अब नेक्स्ट कुछ ऐसे खास क्वेश्चन तो नहीं है. और जिसने यूट्यूब जर्नी के बारे में पूछा था, हम जल्दी से बनाएंगे क्योंकि अभी मेरी इतनी जर्नी नहीं हुई है. जब हो जाएगी तो मैं उसके बाद पक्का बनाऊँगी, ठीक है. मेरा भी बहुत दिल है. और बस मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ आप लोगों में से बहुत, मतलब बहुत तो नहीं, एक या दो लोग मुझे ये ज़रूर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं इतने सारे रिव्यू वीडियो बनाती हूँ तो वो कपड़े जाते कहाँ हैं, या जो वो सामान जिस जिन चीज़ों का मैं रिव्यू बनाती हूँ उनको मैं करती क्या, उनको मैं रिटर्न कर देती हूँ. ऐसा मुझसे ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि मैं उन सब चीज़ों को रिटर्न कर देती हूँ. मैं उनकी वीडियोज़ बनाती हूँ और उसके बाद मैं उन चीज़ों को रिटर्न कर देती हूँ. सो आप लोग बिल्कुल गलत हो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करती हूँ. मतलब इतने कपड़े ऑर्डर किए ना, शायद एक केस ऐसा हुआ होगा उसमें भी मैंने क्यों किया होगा, कुछ रीज़न होगा, फिटिंग का इश्यू होगा या कुछ. मैं आप लोगों को ना मैं पहले वीडियो में ही बता देती हूँ कि मैं इसे रिटर्न करने वाली हूँ, ठीक है. सो ऐसा है, मैं कभी रिटर्न नहीं करती. आप लोग मतलब मेरे फ्रेंड्स को पता होगा मेरा कपड़ों का पूरा ढेर है जिन्हें मैं कभी दोबारा पहनती नहीं हूँ. मैं उनका वीडियोस बनाती हूँ, मैं दोबारा उनको पहनती ही नहीं हूँ, बहुत ही कम पहनती हूँ. तो मैंने उनको रख रखा है, एक रीज़न है, एक चीज़ है जिसकी वजह से मैंने उन सारे कपड़ों को रख रखा है. वो रीज़न मैं अभी आप लोगों को बताना नहीं चाहती. जब उसका सही टाइम आएगा वो रीज़न मैं पक्का डिस्क्लोज करूँगी यहाँ पे, और वो चीज़ आप लोगों के लिए ही है. बट अभी नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं. लाइक नेक्स्ट ईयर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या है, क्यों मैं इतने कपड़े लेती हूँ और मैं उन कपड़ों का करती क्या हूँ. तो वो कपड़े मैं आपको बता देती हूँ फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं उन कपड़ों को रिटर्न नहीं करती हूँ. अगर मैं इतना रिटर्न करती ना यार, मैं तो पता नहीं क्या हो जाता कब का. उन सबको मैंने रखा हुआ है, उस टाइम बाद हम कुछ करने वाले हैं, मैं पक्का शेयर करूँगी, ठीक है यहाँ पे. सो या और मैं आप लोगों को एट लास्ट इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को यूट्यूब स्टार्ट करना है तो करो. किसी की मत सोचो कि तुम ऐसे वीडियो बनाऊंगी तो बगलवाला क्या सोचेगा है, क्या है. किसी की मत सोचो, खुद को देखो, बनाओ, स्टार्ट करो. आई नो अगर आप लोग इतनी मेहनत करोगे, रेगुलर रहोगे, मतलब हर चीज़ अच्छे से करोगे तो एक दिन पक्का आपका चैनल ग्रो होगा. एक मौका हर किसी को मिलता है, एक वीडियो हर किसी की वायरल होती है, ऐसा मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है. बट मेरे साथ तो ऐसा आज तक नहीं हुआ, बट क्या पता हो जाए आगे. तो मुझे अभी है कि हाँ मेरा चैनल होगा ग्रो. सो आई एम स्टिल मेकिंग वीडियोज़ और मैं बनाऊंगी जब तक है मुझे. मेहनत करो, एक दिन पक्का आपका चैनल ग्रो होगा. और स्टार्ट करना है तो जो है रॉ से स्टार्ट करो यार. मतलब सीधे इतना मत सोचो कि कैम पहले चैनल स्टार्ट करना है तो पहले कैमरा लेने हैं, इतनी सारी रिंग लाइट्स लेनी है, सब कुछ लेने. रॉ रहो, मतलब जो जो है ना उसी से स्टार्ट करो. और जब मेरे वन के होने वाला है तो पक्का एक गिव अवे होगा, वो किसी वीडियो के थ्रू होगा या कैसे होगा वो मुझे अभी नहीं पता, बट एक गिव अवे मैं पक्का करूँगी आप लोगों के लिए. सो या तो हम आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो. और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अगर करना चाहते हो तो, फोर्स नहीं करूँगी, अगर करना चाहते हो तो कर लो. आई विल मेक श्योर कि आगे जाके और अच्छा कंटेंट मिले. और आई नो आप लोगों को व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ. सो बाय, टेक केयर.